हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका आज़ाद बर्ड शॉप वाली। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ चुका हूँ। और आज मैं आपको अपने सेटअप के कुछ पेयर की विज़िट कराऊंगा और इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करवाऊंगा। जो कुछ दिन हो चुके हैं तो मैंने सोचा आपके साथ इनकी अपडेट शेयर की जाए। मेरे पास हॉलैंड का एक क्रॉस में एक पेयर है और एक रेड आई शो का पेयर है। इन दोनों की ब्रीडिंग प्रोग्रेस और मेरे पास कुछ कॉकटेल्स है, एक दो एक पेयर और एक पेयर लवबर्ड है, उनकी भी अपडेट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। तो चलिए वीडियो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करवाता हूँ कि इन्होंने क्या रिज़ल्ट है इनका और क्या कितने अंडे दे रखे हैं, कैसा है ये पेयर, इनके बारे में आज मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले ये देख रही है, मेरे पास एक हॉलैंड क्रॉस का पेयर है। तो मेरे पास ये कुछ टाइम से है, मैंने इससे एक नेक्स्ट सीज़न पहले भी बच्चे लिए थे दो बार, तो कुछ कारणवश मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाया। इस सीज़न में आपके साथ इनकी पूरी अपडेट शेयर करूँगा, इनके बच्चे जब भी निकलेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ दिनों में ये बच्चे इनसे निकलने ही वाले हैं। अंडे सारे फर्टाइल है और अंडों को लगभग 15 दिन हो चुके हैं और अंडे मैंने चेक किए थे, पूरे फर्टाइल है। तो मैं इनसे जैसे ही इनसे बच्चे निकलेंगे तो आपके साथ इनकी वीडियो शेयर करूंगा और इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको चेक करूंगा। चलिए अपन अब नेक्स्ट पेयर की प्रोग्रेस देखते हैं। इसने तो अभी अंडे देने स्टार्ट ही हुए हैं, तो इसके अंडे देखिए कितने अंडे आते हैं। इसमें देखे थे, मैंने देखा था जब, तो इसमें दो अंडे थे। आज देखते हैं इसमें कितने अंडे हैं। मैंने कल या परसों देखे थे जब दो अंडे थे, क्योंकि ये अंडे अभी दे रही है तो इसमें और भी अंडे आने वाले हैं। अभी लगभग कम से कम 6-7 अंडे ये भी देती है। तो जैसा कि देखते हैं कितने अंडे हैं, हाँ इसमें 3 अंडे हैं दोस्तों, और तीनों ही अंडे अच्छे हैं, एकदम सही है, फर्टाइल अंडे हैं। और इसमें भी और अंडे देखने को मिलेंगे, तो जैसे ही इसके भी बच्चे निकलेंगे तो इसकी भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस में की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपके पास इनकी वीडियो आती रहेगी। तो चलिए आज इनकी ब्रीडिंग के बारे में हम बात करेंगे कि इनका इनसे कैसे ब्रीड ली जा सकती है और इनका केयर ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए अपन बात करते हैं कि इनकी ब्रीडिंग कैसे करवा सकते हैं। जैसा कि आप इनको नॉर्मल केज में भी, जैसे बजीज जो केज में रखते हैं, पर उससे थोड़ा बिग साइज़ का केज दे दीजिए इनको। आप जैसे बजीज को देते हो तो थोड़ा बड़ा साइज़ का केज दीजिए, जैसे ये फ्लाई कर सके आराम से। और ये भी वही सेम बजीज की तरह पूरे साल ब्रीड करते हैं, पर इनसे अपन पूरे साल ब्रीड नहीं ले सकते, क्योंकि ये बड़े बर्ड है, बर्ड खराबी होने का चांसेस रहता है। तो मैं तो पूरे साल इनसे ब्रीड तो लेता नहीं हूँ, साल में बस 6 महीने ही इनसे ब्रीड लेता हूँ और 6 महीने इनको रेस्ट देता हूँ। तो 6 महीने भी ये अच्छे बच्चे पालते हैं और अच्छा रिज़ल्ट देते हैं और मेरे पास। तो अगर आप इनसे अगर बहुत जैसे लगातार बच्चे लेना चाहते हैं तो इनके अंडे आप दूसरों के नीचे रख दीजिए, जैसे नॉर्मल बजीज हो उनके नीचे आप इनके अंडे रख सकते हैं, तो उनसे भी आपको बच्चे अच्छे मिल जाएंगे और आपको उनकी इनके क्लच अच्छे मिल जाएंगे। मैं ऐसा बहुत कम करता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि इनके बच्चे अंडे मैं एक दूसरे के नीचे एक्सचेंज करूँ, क्योंकि मेरे पास काम रहता है तो मैं इनके ये अंडे कर नहीं पाता। पर मैं इनसे 6 महीने जब मैं इनको रेस्ट देता हूँ तो ये खुद ही अपने 6 महीने के जैसा सीज़न चालू रहता है, तो ये खुद ही अपने बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से पालते हैं। मैंने जब तक सुना है कि लोग इनसे बच्चे निकलवाते तो है पर इनके बच्चे दूसरों के नीचे रख देते हैं, पर वो चीज़ मैं नहीं करता क्योंकि मैं इनको ज़्यादा रेस्ट देता हूँ और ये ज़्यादा हेल्दी रहते हैं मेरे पास, तो ये खुद ही अच्छे से बच्चे पाल लेते हैं। और फर्स्ट बात, जैसे मैंने इनकी ब्रीडिंग से हवाले से बात करेंगे, तो इनको अपन सॉफ्ट फूड वगैरह थोड़ा अच्छा, मतलब इनकी एनी टाइम केयर ट्रीटमेंट थोड़ा अच्छा कीजिए, जिससे आपको इनके क्लच अच्छे मिले और इनके बच्चे हेल्दी मिले। जैसा कि मेरे पास ये दोनों पेयर ही बच्चे बहुत ही हेल्दी निकालते हैं, पिछली बार भी इन्होंने 8-8 बच्चे निकाले थे, पर कुछ कारण मैं वीडियो बना नहीं पाया और इनकी अपडेट आपके साथ शेयर कर नहीं पाया। तो इस सीज़न इनके जब भी बच्चे निकलेंगे अंडों में से, उस दिन मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ और आपको बताऊंगा कि आज बच्चे निकल चुके हैं, और इनका वीडियो आपके साथ अभी अपडेट आती रहेगी कि ये कि कितने बच्चे निकालेंगे, इनके बच्चे कैसे पलेंगे, क्या कलर निकलेगा, सारा कुछ आपके साथ शेयर होता रहेगा। और सबसे मेन बात है कि इनको आप बॉक्स में ही ब्रीड करवाएं, क्योंकि ये बॉक्स ही इनके लिए बेटर रहता है। इनके फैदर को, फैदर जैसे मटकियों में थोड़ा
फेदर बैठने टाइम बिग बर्ड है तो टूटते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो बॉक्स ही दीजिए, वो अच्छा रहेगा। तो चलिए अब लव बर्ड का पेयर आपको दिखाता हूँ। जो एक पेयर लव बर्ड है, इसमें रोज़ी का मेल है और क्रीम की रेड आई की फीमेल है। ये पेयर मेरे पास अभी, मैं अभी परचेज़ किया था, मैंने कुछ दिन हुए और इसने अंडे देना भी स्टार्ट कर दिया है। नेस्टिंग ये खुद बना है, इसने थोड़ी बहुत नेस्टिंग भी बनाई है और बहुत दिन हो गए मैंने देखा भी नहीं है इसने अंडे दिए हैं या नहीं दिए। तो चलिए थोड़ा मैं इसको देखता हूँ, डिस्टर्ब करने की कोशिश करता हूँ कि यह अंडा दिखा दे, इसने दिया है या नहीं दिया है। मेरे को तो लगता है इसने अंडा दे दिया है कि कुछ दिनों से ये बैटरी, हाँ देखिए अंडा देखने को मिल गया है, ये अंडा इसने अभी दिया है। ये क्रीम की फीमेल है और रोज़ी का मेल है। ये नॉन रिंग वेराइटीज़ है दोनों। एक पेयर मेरे को ये किसी फ्रेंड से मैंने परचेज़ किया था और ये मेरे पास कुछ कॉकटेल्स है, तीन पीस, तो इसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप ये पेयर देख के बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको, और इनकी जैसे ही इनसे बच्चे निकलेंगे तो वो भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉकटेल्स। पहले गेट बंद कर देते हैं, हम कॉकटेल दिखाते हैं हम आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक पल की फीमेल है जो अभी पट्ठों से तैयार हो रही है, और ये दो क्रीम के मेल है जिसके फैदर नहीं है, वो टेम कॉकटेल है पूरा। क्योंकि मैंने जिससे परचेज़ किया था उसने टेम के चक्कर में इसकी सारे फैदर काट के रखे हुए थे, तो मैं इनके सारे फैदर तो मैं निकाल रहा हूँ। और इनमें देखिए कलियाँ आनी भी स्टार्ट हो चुकी है, तो जैसे ही ये पूरा तैयार हो जाएगा तो इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक पीछे जो बैठा है वो मेल है, मेल कॉकटेल है जो मैं इस पल के लिए लेके आया हूँ, पर ये पल अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है, तो इसके साथ मैं अभी नहीं छोड़ूंगा इसको, थोड़े दिनों बाद छोड़ूंगा। जैसा कि आप देखिए ये फीमेल अभी पूरी मैच्योर नहीं हो रखी है, तो कुछ दिनों के बाद मैं इसके साथ छोड़ूंगा। और इसकी भी आइडेंटिफाई करनी है, जैसे मेरे को लगभग तो लगता है ये फीमेल ही है, पर देखेंगे इसका जेंडर अभी क्या बताता है। ये अभी लगभग 6 मंथ की है और देखते हैं इससे क्या निकलता है। और वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कमेंट करते ज़रूर जाइएगा। जैसा कि ये टेम कॉकटेल है, तो देखिए मैं इसको अपने हाथ पे बैठा के भी आपको दिखाता हूँ अभी। तो चलिए मैं अभी अंदर हाथ डालता हूँ, इसमें ये आता है या नहीं आता है, ये देखिए थोड़ा डर रहा है, आ जाएगा, आ गया। ये देखिए ये फुल्ली टेम्ड है, पर अभी इसको थोड़ा इसको मैं अभी पूरा तैयार कर रहा हूँ, इसके सारे फैदर दूंगा और उसके बाद मैं आपको इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको पूरा तरह से अच्छे से तैयार करके फिर आपके साथ इसका वीडियो शेयर करूं। और क्योंकि ये बहुत ही प्यारा है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं। वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।